Hey guys, hope you all are doing well. It's me Lalit and welcome to my channel Weekend Vlogger. तो guys आज full on घाई में निकला हूँ मैं बाहर. मतलब यार I don't know, बहुत laid back feel कर रहा था. सुबह भी बहुत late उठा. It's a lovely weekend and today is a Sunday. मैं अभी फटाफट drive करके एक location पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे I'll get to see beautiful sunset. So I don't want to waste more time. पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ. मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ. आई एम ऑन दी पाम बीच रोड राइट नाउ. बस लाइक दो मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं. एंड द सनसेट इज अबाउट टू हैपन. लाइक गोल्डन आवर चल रहा है एंड ड्राइव करने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. सो आई एम जस्ट लविंग इट. आज मैं अपना मी टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, चिल करने वाला हूँ आज. सो या अभी ड्राइव करता हूँ, फटाफट पहुँचता हूँ वहाँ पे, वरना फिर सनसेट चला जाएगा एंड पोपट हो जाएगा. सो वी डोंट वॉन्ट इट. सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो आई हैव जस्ट नाउ रीच्ड हियर एंड मैंने सनसेट एंजॉय कर लिया. इट वाज अ ब्लिस. मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू था यहाँ से. सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी टाइम पास नहीं किया, फटाफट यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लाइक हमेशा की तरह सनसेट मिस नहीं करना था. लाइक नहीं तो हमेशा सनसेट देखने में आता हूँ एंड सनसेट चला गया होता है, फिर मुझे बस उसका लेफ्ट ओवर मिलता है, तो लाइक कहीं पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मज़ा नहीं आता. सो इस बार लाइक मैं ऑन टाइम यहाँ पे पहुँचा हूँ. बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे एंड लाइक मुझे एक स्पॉट मिल चुका था, तो मैं वहाँ पे बैठ के मैंने पीसफुली अपना सनसेट इन्जॉय किया. मुझे आज एक्चुअली मन कर रहा था कि मैं बस अपना मी टाइम स्पेंड करूँ एंड कहीं पे जाके चिल मारूँ. मतलब बस पीसफुली कहीं पे जाके बैठने का मन कर रहा था, जो कि यहाँ पे मैंने आके फुल ऑन चिल किया है. एंड अभी लाइक सनसेट हो चुका है. द व्यू इज़ अमेजिंग ओवर हियर एंड लाइक इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे. आई लिटरली लव दिस प्लेस. मतलब जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है, चिल करना होता है एंड लाइक ऐसा ज़्यादा कुछ मस्ती वस्ती नहीं करनी होती है, बस पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ. एंड इसका मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, ऑफ विच आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो अगर आपने नहीं देखा हुआ है सो यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट लेटर. गाइस जस्ट लुक एट दिस प्लेस. मतलब यहाँ पे आके थोड़ा भी नहीं लगता कि यू आर लिविंग इन अ सिटी. मतलब ऐसे पूरा गांव जैसी फीलिंग आ रही है एंड आई लिटरली लव सच वाइब्स. मतलब ये सारे खेत जैसे लग रहे हैं, खेती है ऑलमोस्ट. यहाँ के जो लोकल्स है वो थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं यहाँ पे. एंड ऑल्सो मुझे आगे कुछ हट्स वगैरह दिख रहे हैं जो शायद उन लोगों के घर है. एंड यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा शांति है. मतलब यार यहाँ पे बस बैठे भी रह जाओ तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा. मतलब इतनी ज़्यादा पीसफुल वाइब्स मिल रहे हैं यहाँ पे. ऑल्सो द मून देवता इज़ हियर.
यहाँ पे ऐसे होल्स भी बने हुए हैं, आई गेस यहाँ पे सांप वाप भी हो सकते हैं, सो आई शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, वरना मेरे पीसफुल वाइब्स दुखी वाइब्स में बदली हो जाएंगे। गाइज मुझे ऐसे प्लेसेस पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मानसून सीजन में तो इतना ज़्यादा ट्रैक करता था मैं, एंड अभी लाइक बहुत ज़्यादा धूप गिरी होती है तो ट्रैकिंग पे जाने का मन नहीं करता बिकॉज फिर धूप की वजह से एंड बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, फिर उतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वैसे अभी तो लाइक विंटर सीज़न है बट फिर भी यार दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है तो थोड़ा अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं। एंड लेटली बहुत ज़्यादा लाइक पार्टी वार्टी कर रहा था, रेस्टोरेंट्स वगैरह चेकआउट कर रहा था, तो वही सारे व्लॉग्स बना दिए, मतलब एक्चुअली वीकेंड्स में ऐसे स्पेंड कर रहा था। एंड आज लाइक मैंने ऐसा सच नहीं किया हुआ है, मुझे एक्चुअली एक रेस्टोरेंट से इनवाइट भी मिला था बट फिर आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था तो फिर ज़बरदस्ती वहाँ पे जाने का कोई मतलब भी नहीं था। आफ्टर ऑल लाइक वीकेंड्स में तो बस आई डू व्हाटएवर आई लाइक टू डू एंड आई शेयर माय वीकेंड एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो ज़बरदस्ती वाला काम तो कोई भी नहीं करता मैं, जो मुझे अच्छा लगता है जो पसंद आता है वही करता हूँ। सो या आज बस मी टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था, चिल मारने का, रिलैक्स करने का मन कर रहा था तो मैं यहाँ पे चला आया, एंड दिस प्लेस नेवर डिसअपॉइंट्स। गाइस मैं अभी यहाँ से भाग रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मच्छर है, एंड अभी लाइक रात होने आ रही है, द सन इज़ ऑलमोस्ट डाउन एंड डार्क होना भी शुरू हो चुका है, सो एंड मच्छरों का टाइम चालू हो गया, तो जस्ट हाथ पे देखा मैंने तो एक जगह पे ऐसे 3-4 मच्छर चिपके हुए थे, तो यार आई जस्ट डोंट वांट कि मच्छर वच्छर काट के मलेरिया वलेरिया हो जाए एंड मेरे बैंड बच जाए। एंड अभी अंधेरा भी हो रहा है, यहाँ पे सांप वाप भी होते हैं मैंने सुना, आई गेस आई हैव टू लीव फ्रॉम हियर, आई एम रशिंग अप टुवर्ड्स माय कार नाउ, लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस तो मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ, जैसे ही वहाँ पे सनसेट हो गया उसके तुरंत बाद वहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो गया एंड फिर बहुत सारे मच्छर वच्छर भी काट रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से निकल गया मैं एंड अभी घर पे पहुँच चुका हूँ। मेरा मन तो भग कर रहा था वहाँ पे लाइक कॉफ़ी वॉफी लेके जाने का स्टारबक्स, एंड फिर कुछ समोसे वगैरह मिल जाते थे तो बहुत मज़ा आ जाता था, वहाँ पे तो पूरा मेरा मूड ही बन जाता था। लाइक मैं लेट निकला था घर से एंड फिर घाई घाई में वहाँ पे मैं पहुँचा तो वो सब कुछ लेने का मुझे चांस नहीं मिला, एंड फिर वहाँ से निकल गया मैं अभी एंड घर पे लाइक मस्त गर्मा गर्म समोसे लेके आया, अभी मैं ये गर्मा गर्म समोसे इंजॉय करूँगा एंड मस्त मैं एक कप हॉट कॉफ़ी पीऊँगा। सो या आज के दिन के लिए तो मैंने यही सारी चीज़ें करी, दिस वॉज माई वीकेंड फॉर यू ऑल, सो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया बट बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि उस प्लेस में यार बहुत अमेजिंग वाइब्स आते हैं, मुझे तो आज मज़ा आ गया। सो गाइज आई विल एंड द व्लॉग हियर, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, हिट अ लाइक इफ यू लाइक दिस व्लॉग एंड या गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। So until then, take care of yourself and stay tuned for more. Peace.